नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और एक डिमांड जो सबसे ज़्यादा मुझसे की जा रही थी वो थी कि टी और एस के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी कि जिनका नाम टी से शुरू होता है और जिनका नाम एस से शुरू होता है, इन लोगों की जोड़ी जो है वो कैसी होती है। तो आपकी बातें, आपकी कमेंट्स सर आंखों पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टी और एस के बारे में। शुरुआत करेंगे टी से कि टी नाम वाले और एस नाम वालों की आपस में केमिस्ट्री कैसे होती है। देखिए, डी नाम वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती, होशियार, चालाक, बुद्धिमान किस्म के लोग होते हैं और खर्चे के मामले में ये खुले हाथ से होते हैं, चार्मिंग होते हैं दिखने में और खुश मिजाज होते हैं। वहीं एस नाम वाले होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। पैसे खर्च करने के मामले में कंजूस नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने हिसाब से पैसे को खर्च करते हैं, अंधाधुंध पैसा ये लोग लोग खर्च नहीं करते। ये जो लोग होते हैं टी नाम वाले, ये लोग दूसरों के दुखों को दूर करने में हमेशा लगे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं। गंभीरता इनके स्वभाव में होते हैं, लेकिन बड़े ही कूल अंदाज से ये लोगों से अपने सारे काम करा लेते हैं। वहीं एस के साथ भी ये चीज़ होती है कि वह हमेशा दूसरों की हेल्प करने में आगे तत्पर रहते हैं, और लेकिन उनके साथ एक बात होती है कि उनका मन अगर किसी से भर जाए, यानी कि उनका दिल नहीं लगे किसी के साथ, तो फिर वो उनसे कभी भी बात नहीं करते। मुंह मोड़ लिया तो मोड़ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक के हम छोटे से एनालिसिस में हम बात करें तो टी और एस की जो सिमिलरिटीज़ है वो काफ़ी हद तक एक सी है। पढ़ाई करने के मामले में एस ज़्यादा आगे होते हैं, टी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका मन ज़्यादातर पैसे कमाने में ज़्यादा रहता है। टी जो है वो थोड़ा सा मनी माइंडेड कह सकते हैं आप उसको, लेकिन एस जो होता है वो कैरियर ओरिएंटेड होता है, और क्योंकि एक नंबर का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दोनों ही टी और एस अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से काफ़ी हद तक चीज़ों को कर पाते हैं। टी धन इकट्ठा करने में बहुत तेज़ होते हैं, वहीं एस धन कमाने में बहुत तेज़ होते हैं। धन इकट्ठा यानी कि खर्चा भी खूब करते हैं, इकट्ठा भी खूब करते हैं, लेकिन कई बार टी के साथ ऐसा होता है कि लक फैक्टर इतना नहीं होता, लेकिन एस के साथ लक फैक्टर ज़्यादा होता है। दोनों की रोमांस केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो दोनों ही रोमांटिक काफ़ी हद तक होते हैं और अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं, जिस वजह से इन लोगों की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है। साथ साथ बस एक बात रहती है के साथ कि टी जो होता है वो अपनी प्यार की जो इजहार मोहब्बत होती है वो कभी नहीं करते। इस मामले में एस जो थोड़ा सा फ्लम्बॉयंट होता हैस अपनी बात को कह देता है। यही कारण होता है कि टी अगर किसी के साथ प्यार में है तो बहुत जल्दी आपके साथ प्यार नहीं करेगा, आपको मन ही मन चाहेगा लेकिन प्यार आपको इजहार जो है वो नहीं करेगा। जबकि एस थोड़ा सा फ्लम्बॉयंट होने की वजह से एस जो है वो बहुत जल्दी अपनी अभिव्यक्ति, जिसे आप बोलते हैं, वो व्यक्त कर देते हैं, जिससे इन दोनों की जोड़ी जो होती है बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात गौर करें कि टी जो है थोड़ा सा शर्मीला किस्म का है, एस जो है थोड़ा फ्लम्बॉयंट है, तो अगर दोनों की शादी होती है या दोनों रिलेशनशिप में है या पार्टनरशिप में है तो चीज़ें जो होती हैं पैरेलल हो जाती हैं। टी थोड़े से काम एंड कंपोज होते हैं, एस थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, जल्दी जल्दी बातों पर थोड़े से तुनक जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों अपने घर के प्रति, टी और एस जो हैं घर के प्रति दोनों बहुत बहुत रिलायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस वजह से इन लोगों का जो घर परिवार होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, टी और एस की बात आज हमने की, आपको कैसी लगी वीडियो, कितनी बातें आपके ऊपर लागू हुई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और अब कौन सी जोड़ी के बारे में आप जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा।